टोणी देवी के ऊटपुर गांव में महिला सफाई कर्मी से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया था। मामले को लेकर गांव वालों ने हमीरपुर उपायुक्त के समक्ष ज्ञापन सौंपा है। गांव वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस में FIR करवाई गई है, परंतु अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि जब तक केस की कोई सुनवाई नहीं होती, तब तक सोसाइटी के सचिव को उनके पद से हटा दिया जाए। राजवीर का कहना है कि कुछ दिन पहले ऊटपुर सोसाइटी में सोसाइटी के सचिव द्वारा महिला सफाई कर्मी से छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जब तक इस केस की कोई सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक सोसाइटी सचिव को सस्पेंड किया जाए और जल्द से जल्द महिला कर्मी को न्याय दिलाया जाए। हमारी जो ऊटपुर कृषि सहकारी समिति है, उसमें जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने महिला से छेड़छाड़ की, जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ पे, तो उसके बाद हमने पुलिस में FIR दर्ज की, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं आया। कोर्ट में बोलते हैं केस चला हुआ है, सेक्रेटरी साहब अपना ड्यूटी कर रहे हैं मजे से, और जो कमेटी है वो भी पूरा अपना एक्टिव से काम कर रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि कमेटी को भंग किया जाए और सेक्रेटरी साहब को जब तक फैसला नहीं होता उनको वहाँ पर सस्पेंड किया जाए। किशोर सिंह ने कहा कि जो महिला कर्मी के साथ शोषण हुआ है, उसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पुलिस के पास भी केस दर्ज करवाए बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किशोर सिंह ने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द केस पर कार्रवाई करे, नहीं तो गांव वाले मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर आज हमीरपुर उपायुक्त के समक्ष ज्ञापन सौंपा है। समस्या है कि हमारे यहाँ CS ऊटपुर है, उसमें एक सफाई कर्मचारी थी, उसके साथ, उसका नाम है रीना देवी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई सचिव द्वारा। अब पुलिस के पास हमने FIR दर्ज करवाई, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। माड़ा मोटा गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पुलिस के पास जाते हैं हम, तो पुलिस 2 दिन वहाँ थाने में रखती है, परंतु इस केस में कुछ नहीं किया गया, ना तो सचिव को, ना तो कमेटी को पूछा गया, ना किसी को पूछा गया। बस बोल रहे हैं कि कोर्ट में चला गया है केस, सेक्रेटरी अपनी ड्यूटी कर रहा है, और जो 4th क्लास है जो सफाई कर्मचारी हो, घर बैठ बिठा दिए हैं उन्होंने। तो इसका मतलब तो होगा कि अगर ऐसा काम करें तो छूट है, और लड़ाई झगड़ा करें तो कोर्ट में, थाने में अरेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो क्या किया जाए? धरना प्रदर्शन करेंगे।